जो सिटिंग एमएलए है जितेंद्र वर्ड, ये जो है बेकार या फजूल की स्कीम देकर और लोगों को बहका रहे हैं, मीटर चेंज करने के ऊपर उन लोगों को फोर्स कर रहे हैं। जिन मुंब्रा वासियों के पास आज भी एमएसीबी के मीटर है, इनसे दरखास्त है कि वो जाके टोरेंट में वो मीटर बदली कर ले। ये एनसीपी पार्टी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक झांसा दे रही है और बेवकूफ बना रही है कि कहीं करोड़ों रुपए जो है एनसीपी को फंड किए गए हैं, उसका सबूत मेरे पास है, मैं आपको चाहिए तो वापस स्कैन कॉपी आपको शेयर कर दूंगी। दूसरी चीज, टोरेंट का बिल जो आपके पास आता है वो टोरेंट का बिल ही आप भरिए, एमएसीबी की मीटर है बाजू में निकालिए, टोरेंट का मीटर लगा लीजिए, टोरेंट का बिल आना शुरू हो जाएगा, एमएसीबी को भूल जाइए। अब एक बताइए ना, अगर कोई दलाल होता है, कोई एजेंट होता है, उससे अगर कोई डील की हुई रहे और वहाँ पर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बीच में एजेंट ही आता है ना, दलाल आता है ना बीच में दलाली करने के लिए, बस उसी तरीके से जो है ये दलाली की जा रही है और टोरेंट का सपोर्ट, पूरा सपोर्ट मैं बोलूंगी एनसीपी की सपोर्ट है। मैं हूं सभ्या हुसैन शेख, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट को लेकर एक बार फिर मुद्दा गर्म हो गया है। पिछले दिनों इसी प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट को लेकर स्थानीय एमएलए जितेंद्र अवार्ड ने एक वीडियो जारी किया है, हम आपको वो वीडियो दिखा रहे हैं। जिन मुंब्रा वासियों के पास आज भी एमएसीबी के मीटर है, इनसे दरखास्त है कि वो जाके टोरेंट में वो मीटर बदली कर ले, और जब वो मीटर बदली करेंगे तो उनका जो पुराना इतिहास है वो पोंछ दिया जाएगा, और उसके बाद मीटर लगाने के बाद टोरेंट का बिलिंग शुरू हो जाएगा, पहले का जो भी बिल था उसकी कोई चर्चा न करें। दूसरी चीज, टोरेंट का बिल जो आपके पास आता है वो टोरेंट का बिल ही आप भरिए, बाजू में लिख के जो भी आता है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि टोरेंट के बिल के बाजू में एमएसपी का वो भरा नहीं है, वो भी लिखा लिख कर आता है, आप उसको नज़रअंदाज कीजिए, लेकिन टोरेंट का बिल रेगुलर भरिए। अब जिसका भी पीडी है और वो नया मीटर लेना चाहता है तो उस पीडी वालों को नया मीटर दिया जाएगा, उसके चॉइस का दिया जाएगा, और उसकी जितनी भी पीडी की अमाउंट है वो 7 हफ्तों में डिवाइड की जाएगी और वो 7 हफ्तों में भर सकता है। इसके बाद पीडी के ऊपर जिसका भी विजिलेंस केस है तो आप पीडी की बात कीजिए, विजिलेंस की हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अब अगर सुधार लाना है तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि टोरेंट का बिल भरिए, बाजू में जो बिल भरा है उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। पीडी में आपको 7 महीने में दिया है, 7 महीने में आपका पीडी आप भर दीजिए। पीडी के साथ विजिलेंस हुआ है तो विजिलेंस बाजू में रखिए, जाके पीडी भर के आइए। और ये सब आप 45 दिन में खराब कर खत्म कर दीजिए ताकि अच्छी नई जिंदगी मुंब्रा में शुरू हो जाएगी। और ये सब योजना जो है वो 15 नवंबर तक लागू है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, एमएसीबी की मीटर है बाजू में निकालिए, टोरेंट का मीटर लगा लीजिए, टोरेंट का बिल आना शुरू हो जाएगा, एमएसीबी को भूल जाइए। दूसरी चीज, पीडी और विजिलेंस साथ में है तो पीडी भरिए, विजिलेंस बाद में देख लेंगे। जो भी पीडी है, बिल है, उसको 7 महीने का बंटवारा किया जाएगा। आप मीटर ले लीजिए, 7 हफ्ते में उसका बंटवारा किया जाएगा, और ये सब आपको 45 दिन में करना है। तो आपने सुना स्थानीय एमएलए किस तरह से टोरेंट कंपनी की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दे, मुंब्रा के इस टोरेंट पावर कंपनी के खिलाफ कई पार्टियों ने धरना आंदोलन किया है और खुलकर सत्ताधारी पार्टी
एनसीपी पर इस प्राइवेट बिजली कंपनी टोरंट को लाने का इल्जाम लगाया है। इस टोरंट पावर कंपनी की बिजली बिल में मनमानी, जबरदस्ती मीटर बदलवाना और कई लोगों पर केस बनाने का मामला सामने आ चुका है। इस पूरे मामले पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र अध्यक्ष परस शेख ने एक याचिका दाखिल की है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। हमारे रिपोर्टर इमरान शेख ने परहा शेख से क्या बातचीत की है, आप सुने। पुलिस महानगर से मैं मोहम्मद इमरान शेख, आज हम आए मुमरा के टोरेंट ऑफिस के सामने, जहां पर मुस्लिम लीग की परहा शेख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आइए हम जानते हैं उनसे पूरी बात। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इससे पहले जैसे मुमरा में सभी को पता है मीटर चेंजिंग का जो अभियान चल रहा है टोरेंट की तरफ से, मैं आपको बता दूं कि टोरेंट, ये जो टोरेंट मतलब जो मीटर चेंजिंग का अभियान है, ये जो कहीं ना कहीं ये लोगों ने गलत जो है वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का जो है वो दावा देते हुए बोले कि हमको चेंज करना है, लेकिन उसमें जो है क्लॉज कुछ और लिखा हुआ है और ये कर कुछ और रहे। तो इसके ये जो धोखाधड़ी हो रही है और जिस तरीके से लोग मीटर चेंज कर रहे हैं, और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अगर मीटर चेंज नहीं किया तो हम आपके घर की लाइट काट देंगे। अगर मीटर चेंज करने की क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपका मीटर जो है वो जला हुआ है या खराब हो गया है, किसी तरीके का फॉल्ट है उसमें, तब आप उसमें चेंज करवाइए। लेकिन फिर भी उन लोगों ने जबरन जो है वो मीटर जो है वो चेंज करवा रहे हैं। तो ये जो इनकी जबरदस्ती है, इनको कहीं ना कहीं रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोगों ने पीडी का भी देखे, आजकल आज मुमरा भी पीडी के इससे बहुत परेशान है। हर किसी न किसी घर में टोरेंट पर लेकर FIR हो रही है किसी न किसी के ऊपर। और अब जो है ये मीटर चेंजिंग का जो सबसे बड़ा जो लोगों ने अभी खेल खेल रहे हैं, तो उसके ऊपर स्टे लगाने के लिए हमने अभी आपको यहाँ बुलाने का खास मकसद दरअसल हम लोग का यही था। हम मुमरा वासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमने MERC में टोरेंट के खिलाफ जो है वो इनकी जो मीटर चेंजिंग अभियान है, इसके ऊपर हमने स्टे लगाने के लिए हमने MERC में जो याचिका दाखिल की है, यहाँ पर केस किया है हमने। और हमने उनको बोला है कि भाई ये जो है मीटर चेंज, यहाँ पर जबरन मीटर चेंज हो रहा है, आप इसके ऊपर जो है वो काबू पाइए। और इसके अलावा इसमें हमने ये भी मेंशन किया है कि यहाँ के जो सिटिंग MLA है जितेंद्र अवर, ये जो है बेकार या फजूल की स्कीम देकर और लोगों को बहका रहे हैं मीटर चेंज करने के ऊपर, उन लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप अपने MSEDCL का मीटर जो है वो चेंज करिए, उसकी जगह टोरेंट का बिल। तो ये दोनों बात की जो है हमने इसके अंदर कंप्लेंट डालकर केस जो है MERC हमने दाखिल किया है। देखिए क्या होता है ना, जब इन्होंने मीटर चेंजिंग का जो अभियान चालू किया था, दरअसल इसको कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग ने फ्लॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मीटर चेंज करने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो ये लोग नहीं कर रहे, ये लोग जबरन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग जबरन जिस तरीके से कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि एक अवेयरनेस क्रिएट किया मुमरा के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बोलते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मुमरा में बहुत सारी सोसाइटीज ने हमसे अप्रोच किया, हम लोगों ने उनको बताया कि किस तरीके से एक ड्राफ्ट बना के आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन लेटर डालना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के लोगों ने इस बार कानून का साथ लेकर जो है अपनी लड़ाई खुद लड़ी। देखिए लगभग कितने ऑब्जेक्शन लेटर आपके पास में आए? सैकड़ों ऑब्जेक्शन लेटर हमारे पास आए। बाकी हम लोगों ने ये भी कहा कि आप पर्सनल जाके कीजिए, और किसी भी तरीके की जो आपको हेल्प लगेगी तो आप हमसे लीजिए। हमने बाकायदा एक ड्राफ्ट करके हम लोग जनरली पूरे मुमरा के ग्रुप में हम लोगों ने घुमाया, और जिसको भी उसकी जरूरत हो आप जो है वो उसमें अपना बस नाम ऐड कीजिए, अपनी सोसाइटी का नाम ऐड कीजिए और यहाँ पर ऑब्जेक्शन लेटर डालिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि ये ऑब्जेक्शन लेटर का इतना ज्यादा फायदा हुआ कि इनका जो मीटर चेंजिंग अभियान है वो फ्लॉप हो गया। अभी माफ कीजिएगा मैं आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन मीटर चेंजिंग का जो अभियान है ये इनका फ्लॉप हो गया, और इनको कहीं ना कहीं यहाँ की सिटिंग MLA की हेल्प लेनी पड़ी। इस बात आपका कहना है कि जितेंद्र अवार्ड नए स्कीम लेकर आए, तो टोरंट में जितेंद्र अवार्ड का क्या है? यही मेरा पॉइंट है, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है यहाँ पर। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने जो ये स्कीम, हमने जो इनको मुमरा के लोगों को जागरूक किया और उनको बोला कि आप यहाँ पर आकर ऑब्जेक्शन लेटर डालिए, अब मुमरा के लोगों ने अपना कानून का सहारा लेके बराबर अपना काम तो किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका काम रुक गया टोरेंट वालों का। इन्होंने हेल्प किसके लिए? यहाँ के सिटिंग MLA जितेंद्र अवार्ड की। अब ये बताइए, अब देखो NCP के किसी भी कार्यकर्ता पर किसी को भरोसा रहा नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने टोरेंट आने से पहले बड़े बड़े जुमले दिए थे और बाद में कहा था कि बस ये तो सियासी जुमले थे, इलेक्शन आ रहा था हमको ऐसे जुमले बोलने पड़ते हैं। अब इसलिए सोचो, खुद सिटिंग MLA जो NCP से है उनको खुद आकर ये बोलना पड़ा कि आप MSEDCL का जो है मीटर चेंज कीजिए और ये इनके टोरेंट के मीटर लगाइए। क्या टोरेंट का मीटर लगाना इतना ज्यादा जरूरी है? और अगर इतना ज्यादा जरूरी है
है टोरेंट के ये एनसीपी पार्टी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक झांसा दे रही है और बेवकूफ बना रही है। पिछली बार भी कहा था क्योंकि इलेक्शन आने वाला था, कहा था कि अगर टोरेंट आएंगी तो हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। आज ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये भर दो, आप जो पुराना बिल है उसको आप छोड़ दो, पीडी आपको नहीं भरना पड़ेगा, विजिलेंस को आप साइड में रखो। देखिए बिल में बाकायदा लिखा है, कानून में रूल में लिखा हुआ है, जाओ जो बिल जो नंबर जो कोटेशन जो अमाउंट आपका बिल में आया है वो आपको कभी ना कभी भरना है। और अगर आप कैसे बोल सकते हो कल को अगर ये बिल आपने बोल दिया कि भाई नहीं भरना है, कल को ये वापस से हमारे ऊपर चढ़ गया, बोला नहीं 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 आपका ये साल का पीडी बाकी है, नहीं नहीं आपका वो बाकी है पेंडिंग, एनसीपी वाला के भरेंगे हमारा बिल। जिस तरीके से पता लगा है हमको कि टोरेंट 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आया है, तो इसमें फिर ये सत्ताधारी पार्टी या कोई भी पार्टी उसको क्यों इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसमें आप क्या खुलासा करोगे? कई पार्टियों ने इसमें बहुत आवाज भी उठाई थी लेकिन फिर भी टोरेंट वापस नहीं गया है, आज फिर आप टोरेंट के लिए आवाज उठा रहे हो कि टोरेंट जो भर रहा है वो गलत कर रहा है, इस पर आप क्या पूरी जांच? टोरेंट जब से आई है कहीं ना कहीं ये किसके सपोर्ट से आई है, मैंने खुले अल्फाजों में पिछली वीडियो में कहा था कि कहीं करोड़ों रुपए जो है एनसीपी को फंड किए गए हैं उसका सबूत मेरे पास है, मैं आपको चाहिए तो वापस स्कैन कॉपी आपको शेयर कर दूंगी, उसका सबूत है कि कई करोड़ों रुपए जो है वो एनसीपी को मिल चुके हैं। अब एक बताइए ना, अगर कोई दलाल होता है, कोई एजेंट होता है, उससे अगर कोई डील की हुई रहे और वहां पर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बीच में एजेंट ही आता है ना, दलाल आता है ना बीच में दलाली करने के लिए, बस उसी तरीके से जो है ये दलाली की जा रही है। और टोरेंट का सपोर्ट, पूरा सपोर्ट मैं बोलूंगी एनसीपी की सपोर्ट है। ये प्रेस मीटिंग के माध्यम से आप जनता तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहूँगी? मैं जनता को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक छोटा सा उदाहरण है कि आज अगर आप यहाँ पर आकर मीटर चेंजिंग जैसे एक अभियान को रुका सकते हैं तो आप सोचिए टोरेंट को भी आप भगा सकते हैं। तो अगर पूरे मुमरावासी अगर रास्ते पे उतरते हैं तो टोरेंट 20 साल नहीं 2 महीने में निकल जाएगी। आखिर में आप क्या कहना चाहोगे? बस आखिर में बस मैंने कहा था कि अभी ये जो अच्छा ये देख लीजिए कि ये जो MERC को जो है मुस्लिम लीग ने MERC को जो है एक याचिका एक केस दाखिल किया है टोरेंट के ऊपर। आखिर में स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगी इस बात को कि टोरेंट के ऊपर टोरेंट का जो मीटर चेंजिंग अभियान है इसके ऊपर स्टे लगाने के लिए MERC को हमने केस दाखिल किया है और इंशाल्लाह इसकी कॉपी अपोजिशन पार्टी को या अपोजिट पार्टी को मतलब टोरेंट को जो है वो MERC की तरफ से मिल जाएगी और ये जो जबरन मीटर चेंजिंग का अभियान है ये जल्दी रुक जाएगा। और टिल देन अगर जब तक ये लोग आते हैं और आपके बिल के साथ पीछे आपको अटैच करके देते हैं लेटर और बोलते हैं कि भाई हमारा जो है ये आपको मीटर चेंज करना पड़ेगा, तो आप उनको अगेन मैं बोलूंगी जैसे दूसरे लोगों ने किया, जैसे जीवन बाग के लोगों ने किया, जैसे तनवर नगर के लोगों ने किया, जैसे अमृत नगर के कादर परस के लोगों ने हमको कॉन्टैक्ट करके ड्राफ्ट आपको चाहिए मैं आपको फिर से ड्राफ्ट सेंड करूंगी, आप लोग जाइए और अपना ऑब्जेक्शन लेटर यहाँ पर दीजिए। जैसे सैकड़ों लोगों ने इसकी गिनती को बढ़ाई और हजारों लाखों लोग जो जाकर अपना मीटर का जो ऑब्जेक्शन है वो डालिए यहाँ पर ताकि आपका मीटर चेंज कोई जबरदस्ती ना कर सके। तो आपने सुना फराज शेख ने क्या कहा, मुमरा से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं इमरान शेख। तो आपने सुना मुस्लिम लीग की फरहत शेख ने क्या कहा, उनका कहना है कि टोरेंट कंपनी किसी भी कंज्यूमर से जबरदस्ती मीटर नहीं बदलवा सकती है, अगर किसी को टोरेंट पावर कंपनी मीटर बदलवाने कहे तो वो इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लेटर देकर अपना विरोध दिखाए। अब देखना है कि एक तरफ सत्ताधारी पार्टी NCP प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट की तरफदारी कर रही है तो दूसरी तरफ इंडियन मुस्लिम लीग की फरहत शेख टोरेंट पावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर में जीत किसकी होगी। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पुलिस महानगर।